हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो आप सब लोग ठीक होंगे? कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट किया था, जिसमें हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस है वो क्या होता है, ये हमने सीखा था। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशोज़ के एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, जैसे साइन 0, साइन 60, वो टेबल हमने कल पूरी सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पार्ट वन देख लीजिए। इसके बाद हमारे दो टॉपिक रहते हैं क्लास 10th के, जो कि बेसिकली क्लास 10th का है वैसे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक ये टॉपिक रहता है। इसके बाद हमारे थ्री थ्री फॉर्मूलाज रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, एक उसे उन्हें करना है। हाँ जी, तो मेरा नाम रोहन दास, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के बारे में कल पढ़ा था, मैंने कहा था कि जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वो 1/cosec थीटा भी हो सकता है, उसको हम उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट। आज हम थोड़ा इसी तरह का कुछ लगाने वाले हैं ट्रिक इसमें। देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री जब एंगल की बात होती है, ये जो हमारा जो ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होती है तो वो इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री, हम कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री। तो वैसे ही कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपने देखे होंगे, साइन 90 माइनस ए ये क्या होना चाहिए, कॉस 90 माइनस ए क्या होना चाहिए, टेन 90 माइनस ए क्या होगा, कोसेक 90 माइनस ए क्या होगा, सेक 90 माइनस ए क्या होगा, इसके बाद लास्ट वन इज कोट 90 माइनस ए क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फार्मूलाज हैं, क्लास 10th के बेसिक का बेसिक फार्मूलाज हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अच्छा, ये फार्मूलाज देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कल कि कुछ हमारे पास, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, साइन हमेशा कोस के साथ बदलेगा, टेन हमेशा कोट के साथ बदलेगा और सेक हमेशा कोसेक के साथ। कल जैसे रेसिप्रोकल मैंने बताया था कि साइन कोसेक के साथ, टेन जो है कोट के साथ, सॉरी हाँ, टेन जो है कोट के साथ और सेक जो है कोसेक के साथ। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज है, जब 90 माइनस के जब हम बात करेंगे, जैसे 90 साइन 90 माइनस ए तो क्या होना चाहिए, साइन का चेंज क्या हो गया, कोस, इट विल बिकम कोस ए, कोस 90 माइनस ए तो कोस का चेंज साइन, इस तरीके से साइन के साथ कोस, कोस का साइन हमेशा यही होगा। टेन 90 माइनस ए कोट ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए और कोट 90 माइनस ए टेन ए। देखिए, हो गया क्लियर है? इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह का हम क्वेश्चन इसके ऊपर बेस पे, इसके बेस पे हम कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये मुझे इवेल्यूएट करना है, क्या है, टेन 65 अपॉन कोट 25। स्पेशली मैं 10th क्लास के लिए बता दूं, 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम कभी भी, हमारे पास अगर इस तरह का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, तो बेसिकली एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे दो टर्म्स हैं, 1065 कोट 25, आपको दोनों को जो है इस तरीके से करना है, इस वे में चेंज करना है कि दोनों टर्म्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। टर्म्स कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं ये, हम इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ बोलेंगे।
तो टेन को या तो हम कोट में चेंज कर दें या तो कोट को हम टेन में। इस तरह का कोई भी एंगल का प्रश्न आता है तो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो गिनना। ओनली फॉर 10th क्लास की एक्सरसाइज के लिए बता रहा हूँ कि चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज एक बार गिन लेना आप कितने। आज जैसे मान लो 6 हुए तो 3 को चेंज करना है, केवल 3 को इस तरह से चेंज करना है जो बाकी 3 भी उसी रेशो में चेंज हो जाए और बाकी सबको हम चेंज करें। टेन 65 अपॉन कोट 25। जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं इस टेन 65 को कोट में चेंज करूँगा। देखिए टेन 65 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 की टर्म्स में, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो 90 की टर्म्स में पढ़ा है, हमें यही अप्लाई करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस 65 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 लिख सकता हूँ। भाई 90 में से 25 जाएगा, दिस विल बिकम 65। इसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए, कोट ए होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोट ए क्या है 25। इट मीन्स टेन 65 हमारा क्या बन गया, अब कोट 25। आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, कोट 25 अपॉन कोट 25, ये पूरा कैंसिल इज इक्वल टू 1 आंसर हो गया। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको बेसिक फार्मूलाज पहले मैं बता दूं। इन फॉर्मूलाज को आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से चेंज होगा बस जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात होगी। ये हमारे हो गए कुछ फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के 90 के बेस पे, जिसके ऊपर 10th क्लास की 8.3 एक्सरसाइज बेस्ड है पूरी, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम अगर वीडियोज़ में करेंगे आगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर ही करेंगे हम पूरे एक्सरसाइज वाइज। अभी बेसिकली हम जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसे रफ कर लेते हैं एक बार। इसके बाद हमारी आती है थ्री आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे 10th क्लास के लिए और आगे भी। देखिए थ्री आइडेंटिटीज, थ्री ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज है क्या? आइडेंटिटीज मतलब अगर हम जाने बेसिक, बेसिकली इसका मीनिंग फॉर्मूला ही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ फॉर्मूलाज है, तीन फॉर्मूलाज है क्लास 10th के 8.4 एक्सरसाइज के लिए, जिसपे पूरी 8.4 एक्सरसाइज बेस्ड है, और ये तीन फॉर्मूला ही हमारे लिए काफ़ी कामदार होते हैं आगे की क्लासेस के लिए। ये तीन फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको एक बार आप याद कर लेंगे। देखिए फिर आप बोलेंगे कि मैंने याद करने के लिए मना किया था, जी नहीं, आप इनको आसानी से याद हो जाएंगे। याद कैसे होंगे ये, जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे, लेकिन जब आप इन्हें रटने बैठेंगे, जो बच्चे नए हैं 10th क्लास में, तो आप इसे रटते रह जाएंगे और ये याद नहीं होंगे। वैसे तो तीन है, करने को तो हो जाए, बट आप अगर इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे अप्लाई करते चले जाएंगे, तीन फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। देखिए 1, 2, 3। इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस टेन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, टेन ए को साइन ए की फॉर्म में लिखना है,
टैन ए को साइन ए की फॉर्म में लिखना है। आप ध्यान रखना, जिसकी फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में लिखना है, साइन की फॉर्म में लिखना है, आपको साइन का फॉर्मूला छेड़ना होगा। ये तीन फॉर्मूलाज है, इसमें साइन कहाँ है, देखिए इसमें साइन है। आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को पकड़ लीजिए, ये मैंने यहाँ पे ले लिया सॉल्यूशन में, वी नो डैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। किसकी फॉर्म में करना है, साइन की फॉर्म में करना है। एक बार हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, साइन का हमने फॉर्मूला छेड़ा, तो जो इसके जो अलावा जो टर्म होगी, हमेशा इस चीज़ को याद रखना आप कि इसके अलावा जो टर्म है, इसके अलावा कौन सी टर्म है, कोस। इस कोस को हम साइन के बेस में बनाएंगे, ठीक है। कई तरीके, कई मेथड होते हैं करने के, बट जो मेथड मैं बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। कोस स्क्वायर ए को एज इट इज़ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें किससे मतलब है, कोस से। हमें तो कोस ए लेकर आना है, और कोस ए कैसे आएगा, जब हम साइन स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ हमारा अंडर रूट लगेगा, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्या समस्या है, ये हमारा कोस ए का इधर हमारा एक फॉर्मूला आ गया है, किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में। बट बनाना किसका है, टेन का। टेन के लिए क्या करेंगे, वी नो डैट टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि ये एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे सब, साइन ए अपॉन में कोस ए। देखिए साइन ए तो साइन ए है ही, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस ए क्या आया हमारा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा बन गया है टेन ए का इन टर्म्स ऑफ साइन। देखिए हमने इसी तीन को पढ़ा, ये भी एक तरह का आइडेंटिटी, ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, बट हमें जानना क्या है, हमें बेसिक जानना है, हमें वो रूट जाननी है जिससे हम बाकी के फॉर्मूलेज डिराइव कर सकें। इसी को हम मैथमेटिक्स कहते हैं, कि जितने ही हमारे पास कम फॉर्मूलाज होंगे, जितने ही हम कम फॉर्मूलाज यूज़ करके मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, तभी आप कर सकते हैं। और इसी कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसी कारण से मैं इस चैनल पे आया हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से हम कम क्वेश्चन का, कम फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए अपनी मैथ्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये आपको धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे, जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद होते चले जाएंगे फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज जितने भी हैं आपकी। कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लिख लीजिए, जिनको आप बस उतनी ही प्रैक्टिस कर लेना, और मन करा तो और भी आप बुकों से कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, साइन 18 अपॉन कोस 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, कोस 48 माइनस साइन 42। चेंज कर लेंगे, या तो साइन को कोस में करें, या तो कोस को साइन में करें। कोस 48 माइनस साइन 40, मैंने कहा है ना, इसमें क्या कितने रेशोज है, 1 2, तो एक को क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे, मतलब कोस को साइन में कर दो, या फिर इस साइन को कोस में कर दो, जैसी आपकी इच्छा। लास्ट वन इज एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखिए अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया लास्ट वाला, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या, क्या समझाया था मैंने, एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोटे, कोटे की फॉर्म में लिखना है। अरे भैया कोटे की फॉर्म में लिखना है तो कोटे वाला फॉर्मूला छेड़ेंगे। कोटे वाला फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड वाला, जिसमें कोट आ रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इट विल बिकम्स, हमें क्योंकि कोट ए की फॉर्म में चाहिए,
कोटे की फॉर्म में, तो वन प्लस कोट स्क्वायर है, अदर टर्म क्या बची इसमें, अदर रेशियो क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक को हम कोट की फॉर्म में, तो कोसेक स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे वहाँ रूट लगेगा, और वन अप वन अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक ए। आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है, ये तो हमारा कोसेक ए का आ गया, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन, इस तरीके से आप कर लेंगे, जब करेंगे तो तब हो जाएंगे। ये हमारी लास्ट सॉरी पार्ट टू ट्रिग्नोमेट्री वीडियोज़ हैं, जो कि क्लास 10th 11th 12th और आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, और आगे हम 10th की जो सीरीज़ एक निकालेंगे बाद में करेंगे, बाकी ये बेसिक जानने के लिए था और इसका कोई मकसद नहीं है, ये पार्ट टू है आपका, पार्ट टू था सॉरी। इसके बाद पार्ट थ्री की हम चर्चा करेंगे आगे चल के, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और क्या, मज़े करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।